अंग्री मूलम प्रीतः अपवर्ग शरणम वयसे कदानु। हे भगवान, आप मुझे अपने पास कब बुला लेंगे? अच्छा, ते अंग्री मूलम, आपके चरण कमल में मुझे आप कब बुला लेंगे? प्रीतः, मुझ पर प्रसन्न होकर। अच्छा, मेरे चरण कमलों के पास क्यों आना चाहते हो? क्योंकि अपवर्ग शरणम, अपवर्ग शरण जो वहां पे शरण लेता है भगवान के चरणों में, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। देखो, संस्कृत भाषा में ऐसे व्यंजन लिखे ना, क वर्ग, क ख ग घ, हाँ, ये प वर्ग होता है, प फ ब भ म। मोक्ष के लिए कहा अपवर्ग, यहाँ पे प वर्ग नहीं है, प फ ब भ म नहीं है, उसको कहते हैं मोक्ष। हाँ, ये क्या बात हो गई? तो कख ग घ है, टठ डड़ है, लेकिन प फ ब नहीं है। हाँ, देखो, प शब्द का अर्थ होता है पाप नहीं है। मोक्ष मैंने क्या हुआ, पाप से मुक्ति हो गई। फ माने कर्म फलों का जो बंधन है, फल वो भी खत्म हो गया, हो भी खत्म। ब ब माने बंधन, एक तो हमने अपने आप को बांध लिया इस शरीर के साथ, फिर कर्ता भोक्ता भाव इत्यादि वो बंधन अपने लिए खड़ा कर लिया है, बंधन नहीं है। प नहीं, फ नहीं, ब नहीं, फिर भ, भ का अर्थ होता है भय, भव भय, ये संसार का भय भी वहां पर नहीं है। और म माने मरण, एक बार भगवान की शरण में गए तो फिर मरण का ही मरण हो जाता है, फिर वहां पे कुछ नहीं है। अर्थ क्या हुआ, आपके चरणों का जो आश्रय लेते हैं चरण कमल का, उनको सब चीज से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे आपके चरण कमल में आप मुझे कब बुलाएंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। हम तो इंटरव्यू कॉल के लिए वेट करते रहते हैं, जॉब इंटरव्यूज है, एडमिशन इंटरव्यू है, पता नहीं कौन से कॉल के लिए है। कितना बढ़िया है ना, भगवान आप कब मुझे बुलाएंगे? मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कब बुलाएंगे? हरे पर हम तू हेत, हरे पर हम तू
पर है।